हिंदू विधि में आज का टॉपिक है पनिशमेंट फॉर ब्रीच ऑफ मैरिज कंडीशंस अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत वैवाहिक शर्तों के भंग की दशा में दंड के प्रावधान। इस टॉपिक का अध्ययन करने से पहले हमें हिंदू विवाह अधिनियम के दो प्रावधानों से भी परिचित होना होगा। पहला कि हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं और दूसरा इन शर्तों के भंग की दशा में विवाह पर क्या प्रभाव या विवाह के क्या परिणाम होंगे, इन दो प्रावधानों से भी परिचित होना होगा। जैसा कि हम जानते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित विधि को संशोधित तथा संहिताबद्ध करने के लिए 18 मई 1955 को पारित किया गया। इस अधिनियम के अध्याय 2 में हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया गया है। अधिनियम का अध्याय 2 की धारा 5 ये कहती है एक मान्य विवाह के लिए सबसे पहली आवश्यक शर्त है कि मोनोगेमी एकल विवाह। विवाह के समय वर की कोई जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए जबकि वधू की कोई जीवित पति नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका विवाह एकल विवाह होना चाहिए। यह है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 की पहली आवश्यक शर्त है। अगर इस शर्त का भंग किया जाता है अधिनियम की धारा 11 के अनुसार ऐसा विवाह शून्य होगा। और हम जानते हैं शून्य विवाह पक्षकारों के बीच का ऐसा संबंध है जो विधि की दृष्टि से विद्यमान ही नहीं है, अतः दोषी पक्षकार यहाँ दंड के लिए भागी होंगे। अधिनियम की धारा 17 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर विवाह का कोई पक्षकार इस शर्त को भंग करता है, अर्थात अगर वो द्वि विवाह करता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 या धारा 495 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति द्वि विवाह का दोषी है तो उसे 7 साल तक का कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। जबकि 495 में ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति द्वि विवाह करते समय अपने पूर्व के विवाह के तथ्यों को छिपाता है तो ऐसा दोषी पक्षकार 10 साल तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकेगा। इस प्रकार अधिनियम की धारा 17 द्विविवाह के दंड के संबंध में प्रावधान करती है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अनुसार दूसरी आवश्यक शर्त है वैवाहिक पक्षकारों की सक्षमता, साउंडनेस ऑफ माइंड, वैवाहिक पक्षकारों की स्वच्छता। यानी विवाह करते समय वैवाहिक पक्षकार विवाह की वैध सम्मति देने में सक्षम होने चाहिए या वो किसी ऐसे मानसिक विकार से पीड़ित नहीं होने चाहिए जिससे वो संतान उत्पत्ति और विवाह के लिए अयोग्य हों या उनको उन्मत्तता का दौरा बार बार नहीं पड़ना चाहिए। अगर इस दूषी शर्त का भंग किया जाता है तो अधिनियम की धारा 12 ये कहती है कि इस शर्त के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य करणीय होगा। यहां शून्य करणीय विवाह से अभिप्रेत है कि पीड़ित पक्षकार के पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प, वो चाहे जिला न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय में जाकर ऐसे विवाह को शून्य घोषित करवा सकता है, या दूसरा विकल्प है वो न्यायालय में ना जाए। और अगर वो दूसरे विकल्प को चूज करता है तो ऐसा विवाह एक वैध विवाह की तरह, एक मान्य विवाह की तरह ही लगातार जारी रहेगा। अब इस शर्त के भंग पर दोषी पक्षकार के लिए दंड का क्या प्रावधान है? यहाँ हमें विशेष ध्यान रखना है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में की कहीं भी कोई धारा में इस शर्त के भंग के लिए दंड के प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है।
अर्थात अगर यहाँ साउंडनेस ऑफ माइंड पक्षकारों की स्वच्छता वाली शर्त का भंग किया जाता है विवाह पर तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके लिए दोषी पक्षकार को किसी भी दंड का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में नहीं किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 की तीसरी आवश्यक शर्त है एज ऑफ मैरिज, विवाह की आयु। विवाह के समय वर ने कम से कम 21 वर्ष की आयु जबकि वधु ने कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अगर कोई वैवाहिक पक्षकार इस शर्त का भंग करता है तो ऐसा विवाह पर क्या परिणाम पड़ेगा, यहाँ भी हमें एक विशेष ध्यान रखना है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किसी भी धारा में इस पे पड़ने वाले प्रभाव का प्रावधान नहीं किया गया है। अर्थात संसद ने जब 18 मई 1955 को इस अधिनियम को पारित किया तो संसद ने यहाँ पर न्यूनतम आयु की उल्लंघन में किए गए विवाह को रोकने का तो प्रयास किया है, लेकिन ऐसे विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत वर्जित नहीं किया है। तो हम कह सकते हैं कि विवाह की आयु के उल्लंघन में किया गया विवाह एक मान्य या वैध विवाह की तरह ही लगातार जारी रहेगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत। लेकिन हाँ, दोषी पक्षकार को दंड का प्रावधान है। यहाँ दोषी पक्षकार को दंड का प्रावधान धारा 18 में दिया गया है। धारा 18 के अनुसार अगर कोई इस शर्त का उल्लंघन करता है, यानी विवाह की आयु का उल्लंघन करता है, तो दोषी पक्षकार को 2 साल तक का कठोर कारावास या 1,00,000 रुपया जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। यहाँ भी हमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि ये जो दंड का प्रावधान है ये इस अधिनियम में 2007 के संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। 2007 से पहले इस शर्त के उल्लंघन में जो दंड का प्रावधान था वो था 15 दिन तक का सादा कारावास या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित दोषी पक्षकार को किया जा सकेगा। लेकिन 2007 का संशोधन जो 1 नवंबर 2007 से लागू है उसके अनुसार अगर कोई वैवाहिक पक्षकार विवाह की न्यूनतम आयु का उल्लंघन करता है तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 के अनुसार दोषी पक्षकार को 2 साल तक का कठोर कारावास या 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 की आवश्यक शर्त यह भी है कि वैवाहिक पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी से परे होने चाहिए। धारा 5 के अनुसार जब तक वैवाहिक पक्षकारों में से प्रत्येक पक्षकार को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा 2 प्रतिषिद्ध नातेदारी में विवाह को अज्ञात नहीं करती तब तक वैवाहिक पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी में नहीं होने चाहिए। यहाँ प्रतिषिद्ध नातेदारी से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3G। अधिनियम की धारा 3G में कुछ प्रतिषिद्ध डिग्रियों को उल्लेख कर रखा है, वैवाहिक पक्षकार उन डिग्रियों के बीच में नहीं आने चाहिए। और अगर किसी वैवाहिक पक्षकार ने इस शर्त का उल्लंघन किया है तो विवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अधिनियम की धारा 11 के अनुसार ऐसा विवाह भी शून्य होगा। अर्थात अगर वैवाहिक पक्षकारों के बीच में कोई मान्य या रूढ़ी अनुज्ञात नहीं करती और वैवाहिक पक्षकारों ने प्रतिषिद्ध नातेदारी में अगर विवाह किया है धारा 11 के अनुसार ऐसा विवाह शून्य होगा और दोषी पक्षकार दंड से भी दंडित किए जाएंगे। अधिनियम की धारा 18, अधिनियम के धारा 18 में ये कह रखा है कि अगर कोई इस शर्त का भंग करता है तो दोषी पक्षकार को 1 महीने तक का सादा कारावास या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। अधिनियम की धारा 5 की अगली आवश्यक शर्त है कि वैवाहिक पक्षकार स्पिंड नातेदारी में नहीं होने चाहिए। यहाँ स्पिंड नातेदारी से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3F
3F में ये कह रखा है कि सपिंड नातेदारी माता की ओर से ऊपर की परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक, जबकि पिता की ओर से ऊपरी ओर की परंपरा में पांचवी पीढ़ी तक की नातेदारी सपिंड नातेदारी कहलाती है। और अधिनियम की धारा 5 ये कहती है कि जब तक वैवाहिक पक्षकारों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा दो सपिंड में विवाह अनुज्ञात नहीं करती, तब तक दो सपिंड आपस में विवाह नहीं कर सकेंगे। और अगर कोई वैवाहिक पक्षकार इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो विवाह पर पड़ने वाला प्रभाव धारा 11 के अनुसार ऐसा विवाह भी शून्य होगा और दोषी पक्षकार दंड के भी भागी होंगे। यह दंड भी अधिनियम की धारा 18 में ही उल्लेखित कर रखा है। अधिनियम की धारा 18 के अनुसार जो दोषी पक्षकार हैं उनको 1 महीने तक का सादा कारावास या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। इस प्रकार हमने देखा कि अधिनियम की धारा 5 की 5 आवश्यक शर्तों को, उन शर्तों के उल्लंघन में पड़ने वाले विवाह के प्रभाव को और दोषी पक्षकार को मिलने वाले दंड को। अधिनियम की धारा 6 जहां पे विवाह की संरक्षता का जो प्रावधान कर रखा था, लेकिन यहां हमें विशेष ध्यान देना है कि वो 1978 के संशोधन के द्वारा इस धारा को निश्चित कर दिया गया है कि गार्जियनशिप ऑफ मैरिज का कोई कंसेप्ट अब हिंदू विवाह अधिनियम में लागू नहीं होगा। जबकि अध्याय 2 की धारा 7 ये कहती है विवाह का संस्कार भी पूरा किया जाना अनिवार्य है। धारा 7 के अनुसार ये कहा गया है कि वैवाहिक पक्षकारों में से किसी एक की रूढ़िगत प्रथा के अनुसार वैवाहिक संस्कार किया जाना अनिवार्य है। और अगर ऐसा संस्कार नहीं किया जाता या ये कहें कि ऐसी शर्त का अगर भंग किया जाता है तो विवाह पे पड़ने वाले प्रभाव को भी इसी धारा में ही उल्लेखित कर रखा है। इस धारा में ये कह रखा है कि ऐसा विवाह अपूर्ण और अबाध्यकर होगा। तो दोषी पक्षकार किस दंड के भागी होंगे, यहाँ हमें विशेष ध्यान रखना है कि शर्त के उल्लंघन में भी किसी भी प्रकार के कोई दंड का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम नहीं करता। हिंदू विवाह अधिनियम में वैवाहिक संस्कार के भंग की शर्त के लिए किसी भी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। अधिनियम के अध्याय 2 की धारा 8 जिसमें ये कह रखा है कि विवाह का पंजीकरण, विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लेकिन यहाँ प्रावधानों में ये उल्लेखित किया गया है कि राज्य सरकार चाहे तो वह विवाह के पंजीकरण के लिए आवश्यक नियम बना सकती है। और अगर किसी राज्य सरकार ने विवाह के पंजीकरण का ऐसा कोई नियम बनाया है तो उस नियम के अनुसार विवाह का पंजीकरण भी करवाना होगा। और अगर किसी राज्य सरकार ने विवाह का पंजीकरण का नियम बनाया है और हमने इस शर्त का भंग किया है तो अधिनियम की धारा 8 में ही दोषी पक्षकार को दंड के प्रावधान का भी उल्लेख किया गया है। अधिनियम की धारा 8 ये कहती है कि दोषी पक्षकार 2,500 रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ हम एक विशेष उल्लेख करना है माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का। श्रीमती सीमा विश्वास वर्सेस अश्विनी कुमार 2006 का ये डिसाइडेड केस है। 14 फरवरी 2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भारत में प्रत्येक विवाह का पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है, तो अब हमें इस शर्त को भी पूरा करना हमारे लिए एक बाध्यकर ही माना जाएगा। इस प्रकार हमने देखा आज के टॉपिक के अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम की आवश्यक शर्तों के भंग की दशा में हिंदू विवाह अधिनियम में ही दंड के क्या प्रावधान दे रखे हैं। अंत में संक्षेप में हम इस लेक्चर को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें के प्रावधान अधिनियम के किस अध्याय में दे रखे हैं तो हमारा जवाब होगा अध्याय 2। अगर मैं पूछूं कि हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों का अध्याय 2 कहां से कहां तक है तो हम कहेंगे सेक्शन
5 से लेकर सेक्शन 8 तक। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हिंदू विवाह अधिनियम की सेक्शन 5 कंडीशंस फॉर मैरिज, विवाह की किन किन शर्तों का उल्लेख करता है, हिंदू विवाह की धारा 5 में एक मान्य विवाह की 5 शर्तों का उल्लेख किया गया है। पहली शर्त है मोनोगैमी, दूसरी है साउंडनेस ऑफ माइंड, तीसरी शर्त है एज ऑफ मैरिज, चौथी शर्त है बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री, पांचवी शर्त है बियॉन्ड सपिंडा रिलेशनशिप। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हिंदू विवाह की किस धारा में विवाह के संस्कार के संबंध में प्रावधान दे रखे हैं, तो हमारा जवाब होगा सेक्शन 7, जिसमें विवाह के संस्कार के संबंध में प्रावधान दे रखे हैं। अगर हम ये कहें कि हिंदू विवाह में जो धारा 5 की आवश्यक शर्त का उल्लंघन है, उन उल्लंघन की दशा में जो दंड का प्रावधान है वो किस किस धारा में दे रखे हैं, तो इसमें रिवीजन में हम ये कह सकते हैं कि अगर मोनोगैमी की शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो अधिनियम की धारा 17 में दंड के प्रावधान दे रखे हैं। साउंडनेस ऑफ माइंड, इसके संबंध में अगर इस शर्त का भंग किया जाता है किसी भी दंड का कोई प्रावधान नहीं है। एज ऑफ मैरिज, अगर इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो दंड के प्रावधान अधिनियम की धारा 18 के क्लोज ए में दे रखे हैं। और यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि ये अभी 2007 के अमेंडमेंट के द्वारा ही दंड का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम में शामिल किया गया है। अगर धारा 5 की इन दो शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो इसके संबंध में जो दंड के प्रावधान है वो भी अधिनियम की धारा 18 के क्लोज बी में दे रखे हैं। इस प्रकार आज का टॉपिक कंप्लीट है। धन्यवाद।